करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर एवं यूनियन एवं हेल्पर यूनियन द्वारा बस स्टैंड के समीप पार्क में इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा उनको कुशल कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, जिसको अभी तक सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं किया, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए एवं कुशल कर्मचारी के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएं। देखिए एक रिपोर्ट। दो। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, घर पे बढ़ाए हुए मानदेय लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, 1500 और 750 का बढ़ाया हुआ मानदेय दो। बात पे आपका प्रदर्शन है आज का? हमारा प्रदर्शन जो है पूरे हरियाणा के अंदर है, और जो हमारे मतलब 2018 में भी हमने आंदोलन किया था एक, उस पर भी खट्टर साहब ने हमको अनदेखा किया था। उसके बाद उन्होंने कुशल अर्धकुशल की कैटेगरी में डालने की हमारी बात करी थी। अगर हम कुशल अर्धकुशल की कैटेगरी में डलते हैं तो हमारा पीएफ और ईएसआई लगना शुरू होता है, जो कि अभी खट्टर साहब ने हमें अनदेखा किया हुआ है। और जो हमारी लंबित मांग है, जो छठे महीने उन्होंने और इंक्रीमेंट लगाने की बात कही थी, उसमें भी उन्होंने हमारे साथ हेरा फेरी धोखा ही किया है एक तरीके से, क्योंकि वो अब तक हमारी 4 लग जानी चाहिए थी, जो कि खट्टर साहब ने अब तक एक ही, अभी जो हमने पिछले साल अभी 19 में ही हड़ताल की थी सितंबर में, उसके दौरान वो एक किस्त उन्होंने लागू की है। और जो ये 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिशें थी न्यूनतम वेतन की, जो मतलब 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है तो उसके मतलब 21,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो ये श्रम सम्मेलन की 45वें की जो शर्तें हैं उनको लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? और गर्मी सर्दी की हमारी छुट्टियां जो कि बच्चों की हो जाती है, बच्चों की तो कर देते हैं लेकिन वर्कर हेल्पर की नहीं होती। वर्कर हेल्पर को ठंड नहीं लगती क्या? इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से ये बात करते हैं, वादा भी कर, उन्होंने वादा भी किया था वैसे हमारे साथ, हमारी बात हुई थी उनके साथ, भाई वर्करों की बच्चों की बाद में आपकी पहले छुट्टी होगी, जो जिसको अभी तक आप अब तक खट्टर साहब ने लागू नहीं किया। इसलिए हमारी उनसे ये मांग है कि हमारी 25 से तो जो छुट्टियां पड़ने वाली हैं इनमें हमारी भी छुट्टियां लागू हों। क्या नाम आपका? मेरा नाम जिला प्रधान रूपा राणा। और एक मांग हमारी और है, हमारी जो हेल्पर बहने हैं उन्हें आज तक मतलब जो ये SHG में 15 दिन इनके हैं और 15 दिन SHG ग्रुप के हैं, तो उसमें जो इनको मेहनताना तो जो इन्हें मिलता है मानदेय वो तो मिलता ही है, जो इन्हें खर्चे के लिए पैसा मिलता है उसमें SHG में खाना बनाने के लिए सिर्फ 35 पैसे मिलता है, और हाजिरी असल में बच्चों की 20-25 की लगती है, तो हमें रोजाना के 4-5 रुपये ही बनते हैं, उसमें कहाँ से तो ये सिलेंडर लाएँ, कहाँ से बाकी का खर्चा, हल्दी मिर्च नमक मिर्च जो भी कुछ सब्जी का सारा खर्चा उन 35 पैसे में है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पैसे को बढ़ाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। ठीक है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।